आप ही चौकता एडवेंचर एडवेंचर अब कर लो एडवेंचर आप मैं तो अम्मा याद आ गए रे भाई भूख भी लग रही है भाई शरीर अब तो ओके भाई बाय बाय खैर से जाओ सब ठीक है ओए गाड़ी निकाल के दो कब से मैंने तेरा मुंह तोड़ देना मैं तुझे बता रहा हूँ मेरी इज्जत करो इसका निकाह होने वाला जब हो जाएगा फिर करेंगे गाड़ी निकाल के मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा जब मेरे अपर को हाथ लगाया तो समय लगी है ना मुंह में चले गए बाल इसके मम्मा मेरे शेरू ने तंग कर दिया शेरू कुत्ते का नाम होता है क्या तकलीफ है बोलो गाड़ी निकाल के दो जल्दी करो गड्डी कटनी नहीं आती तो हमने गाड़ी बजाना है जी शॉपिंग करने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बड़ी बदतमीज हो गई इसको मैंने नीचे दे देना आज गई आज गई आज गई आज गई आज गई यार मेरी बात सुन आराम से चलाई बेगाना माल है आराम से गजल तेरी मेहरबानी रिक्वेस्ट है भाई जी अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग अच्छा जी उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे तबीयत सेहत ठीक होगी अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें और अगर आप पुराने हैं लेकिन आप सब्सक्राइब करना भूले मत भाईजान पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें इससे होता यह है फायदा आपका यह है जैसे ही कोई नया व्लॉग अपलोड होगा आपको फौरन नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर आपने कल वाला व्लॉग देखा है तो आपको आइडिया होगा कि हमारी लेडीज जा चुकी हैं जो हमारी शॉपिंग रह गई थी जूतियां और ज्वेलरी जो रह गई थी वो लेने गई हैं मैं नहीं गया मैंने कहा था कि आज मैं व्लॉग नहीं करूंगा छुट्टी करूंगा लेकिन असजद भाई आ गए हैं उन्होंने गाड़ी देखनी है मैंने उन्हें बताया कि मैं गाड़ी चेंज कर रहा हूं तो ही सेड कि भाई मुझे भी गाड़ी दिखा के लाएं उन्हें चलते हैं गाड़ी दिखाते हैं और साथ के साथ कल है एजल की बर्थडे एजल के गिफ्ट की शॉपिंग तो हमने कर ली है लेकिन अपने लिए शॉपिंग करनी है पहनना क्या है कपड़ा कोई नहीं है बस शावर ले लेते हैं फिर मुलाकात होती है आपसे ओके जी शावर ले लिया चेंज भी कर लिया और मेरा भाई भी आ चुका है क्या हाल है भाई जान होने वाले दुल्हे मियां शुक्र अल्लाह का होने वाले दुल्हे मियां आए सेम टू सेम है सुनाए कैसी तबीयत है ठीक है शुक्र अल्लाह का बताएं शुक्र अल्लाह का दुआएं क्या सीन है निकले फिर हाँ निकलते हैं बस मैं नमाज पढ़ लूं फौरन फिर ठीक है पढ़े नमाज इंशाल्लाह ओके निकलते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह ओके भाई साहब अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ चलो अच्छा जी घर से निकल चुके हैं अभी हैदर को पिक करते हैं क्योंकि हैदर ने भी जाना है उसने मेरे निकाह के लिए कुछ ड्रेस वगैरह लेना है कोई वेस्ट कोट वगैरह लेनी है पहले जाएंगे भाई को गाड़ी चेक करवाएंगे गाड़ी चेक करवा के फिर आगे मार्केट निकल जाएंगे हाँ जी की हाल है ठीक ठाक कितने दिन रह गए बात थोड़े ही रह गए थोड़ी रह गए कोई नहीं चलो हाँ जी क्या रिव्यूज है प्यारी गाड़ी है माशाल्लाह फिट है बेहतरीन देख ले अंदर से रोम वगैरह भी देख ले हाँ वो देख लेते हैं A few moments later. ठीक है फिर भाई ओके पसंद आई है हाँ जी माशाल्लाह जबरदस्त चलो मैं अब निकल रहा हूँ आगे मैंने अम्मा वाला रोड जाना कुछ शॉपिंग करनी है इसने भी लेना कुछ ठीक है आप पहुंचे फिर अम्मा को सलाम दीजिएगा ठीक है ओके भाई तुम सुनाओ भाई क्या हाल है ठीक हो राजी बाजी हो जबरदस्ती गाड़ी चेंज कराई इस बच्चे ने भाई थैंक यू सो मच मुझे बहुत पसंद आई गाड़ी घर वालों को पसंद आई है बस अब दुआ करो मेरे व्यूअर को पसंद आ जाए जब उनको दिखाएंगे इंशाल्लाह अच्छा जी अभी सीन ऐसे है कि असजद भाई जा चुके हैं हैदर और मैं हेल्पलेस सड़कों पे फिर रहे हैं ना हमारे पास गाड़ी है ना हमारे पास बाइक है ऊबर हमने करवाई ऊबर आई नहीं थी दो बंदों ने कैंसिल कर दी हमने कहा कि आज एडवेंचर करते हैं लिफ्ट मांग के या पैदल सफर करके चलते हैं जहाँ तक हम जा सकते हुए MM आलम रोड तो हम पैदल नहीं जा सकते लेकिन जहाँ तक जा सकते हुए वहाँ तक जाएंगे देखते हैं क्या बनता है जब थक जाएंगे तब लिफ्ट मांग लेंगे आजा भाई 2000 years later aap hi chokta adventure ab kar lo adventure ab mainu te amma yaad aa gaye re bhai bhook bhi lag rahi hai badi shadid ab to pahunch gaye bas ab okay bhai to hum log pahunch chuke hain kaisa raha pahunch gaye apni acha sara ka sara paidal nahi aaye raste mein bike se humne lift bhi le li thi heather center mein baitha piche main baitha hua wahan par mobile agar on karte to nehar pe mobile gir jana tha theek hai na to abhi khair भूख से ना ऐसे कलेजे को हाथ पड़ रहा है सबसे पहले मैं शॉपिंग कर लेता हूँ क्योंकि कल बर्थडे पे जाना है एजल की उसके बाद भाई ने क्या लेना क्या तुमने मैं देखता हूँ जाके क्या पसंद आता है वेस्ट कोट इसने मेरे निकाह के लिए कोई वेस्ट कोट वगैरह देखनी है तो फिलहाल मैं पहले कर लेता हूँ फिर इसी तरह चलते हैं
अच्छा भाई अभी मैं शॉपिंग कर रहा हूँ एजल की बर्थडे के लिए, लेकिन जब हमने ईरान जाना है तो ईरान जाने से पहले भी कुछ गर्म कपड़े हमें चाहिए होंगे, बर्फबारी हो रही है वहाँ पे। हाँ जी, क्या करना है इसको? ये पहनो एजल की बर्थडे पे। पिंक कलर का? यस। एजल की बर्थडे है कि बारबी की बर्थडे है? वैसे तो हमारी बारबी है भतीजी मेरी। ये तुम पहनो, पूरी गुलाबी आंटी लगोगी। गुलाबी आंटी गुलाबी, आप भी गुलाबी बन जाओ ना। मैं काला हूँ, मैं गुलाबी नहीं हूँ। और गुलाबी बनोगे? और लॉन्ग कोट मजा आया फूल है फूल भैया लो भाई ये कोट आपके भाई ने ले लिया, बहुत ही बड़ा जिगरा निकाल के 18,000 रुपए कोट ले लिया अल्लाह खैर करे, लेकिन लिया है ईरान के लिए, क्योंकि जो हमारे सलार हैं जो हमें लेके जा रहे हैं ना ईरान, उन्होंने बताया कि रज भाई वहाँ पर सर्दी बहुत है, अपने अपने गर्म कपड़े फुल पैक कर लेने हैं, तो मेरे पास जैकेट के अलावा कुछ नहीं है, तो ये ज़रा अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, ईरान के लिए तो कोट ले लिया, अब एजल की बर्थडे के लिए ये शर्ट अच्छी लग रही है, प्यारी लग रही है, ब्लैक पैंट कर लेंगे कैसा? ठीक है, प्यारी लग रही है। अच्छा भाई कोट ले लिया, लेकिन जो शर्ट थी ना, शर्ट की मुझे फिटिंग अच्छी नहीं लगी, शर्ट हमने नहीं ली, देखने में अच्छी थी, फिटिंग अच्छी नहीं थी। अब चलते हैं किसी और दुकान पे। भैया आपने क्या लेना? चलते हैं साथ, दुकान है। मैं कहता हूँ ऊपर करवा लेते दूसरी दुकान के लिए, पैदल ही चलते हैं, वापसी भी ऊपर कराएंगे, पैदल वाला एडवेंचर नहीं होना। जी रेस्टोरेंट पता नहीं भाई, होगा यहीं पे कहीं पे, आई डोंट नो। और आपने लेना क्या? वेस्टकोट लेनी, शेरवानी लेनी? शेरवानी कोई भी पसंद आ गई पहन के। पैदल ही चलते हैं दूसरी दुकान पे, शेरवानी वेस्टकोट प्रिंट कोट जो भी भाई लेना है वो ले लेते हैं, जब शॉपिंग सारी कंप्लीट हो जाएगी। मैंने अभी एजल की बर्थडे के लिए शर्ट या पैंट लेनी है, जब ले लेंगे फिर ऊपर करवाएंगे, वापसी पे एडवेंचर वाला कोई चक्कर नहीं करना। ना जी ना, हमसे नहीं होता। चलो भाई चलो, आप क्या बैठे हुए इधर? भाई ये पीछे दुकानें हैं, जा जाके वेस्टकोट ले आ। मैं को नहीं जा रहा, आप ही साथ चलो यार। आ जा यार, ले ले भाई। मेरी बात सुनना, तेरा शलवार कमीज किस कलर का? ऑफ वाइट पे अच्छा लग गया, वैसे बुरा नहीं लगता। ये भी है और एक ये ऑप्शन भी है, ये एम्ब्रॉयडरी में है, ये सादा पिछला तो है। अच्छा उस वाली से ना ये ज्यादा बेहतर लग रही है फिटिंग में भी, है ना? ये ज्यादा प्यारी लग रही है, ऊपर पूरी बैठ गई। ले ले यही ले ले। अच्छा जी, हैदर की वेस्टकोट भी आ गई और ईरान लेके जाने के लिए एक कोट भी आ गया। अभी कोशिश करूंगा कि एक दो कोट हम और बाय कर लें, अभी रह गए सिर्फ जो एजल की बर्थडे पे पहनना वो ड्रेस लेना, फिर हम फ्री हैं। चलो जी बिस्मिल, कसम खुदा की जान को अजाब बिला वजह का डाल यार लिया। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ी है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ी है? आ गई शॉप, आ गई बस, मैं कुछ ले लूं कल के लिए। भी तो अब खिलाते हैं, घर जाए खाएंगे। चला चला के खिला पका दिया। भाई मुझे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा यार। आपको पसंद नहीं है ना, आपको पैसे पसंद नहीं आ रहे। 30,000 की जैकेट है, पागल लेता बंदा। कोई नहीं अपने ले लियो। नहीं अन्नी मैंने सर्दी लगती नहीं। फाइनली एक ये मुझे स्वेट शर्ट पसंद आई है, अब विदाउट वेस्टिंग टाइम इसको ले लेते हैं, इससे पहले मेरा इससे भी जहन जो है वो बदल जाए। ये लो सर, थैंक यू। चलो जी ओके जी, शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शॉपिंग वाला काम खत्म हो गया। ईरान जाने के लिए एक आधा कोट भी ले लिया, कल एजल की बर्थडे के लिए शर्ट भी ले ली, पैंट घर से मैं कोई ना कोई निकाल लूंगा। अब भाई करवा रहे हैं इन ड्राइवर घर जाने के लिए, क्योंकि वापसी के ऊपर एडवेंचर नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि अगर अभी एडवेंचर करना स्टार्ट किया और पैदल हम घर की तरफ चले तो हम निकाह वाले दिन घर पहुंचेंगे, इसलिए वापसी पे लंबा टाइम ही चाहिए। हां वापसी पे हम इन ड्राइवर भी जाएंगे। अच्छा जी, हमारी इन ड्राइवर आ गई है। अभी आपसे कहना ये था कि एक बहुत ही जरूरी बात, बहुत ही प्यारी बात आप सबसे करनी है, जो कि घर जाके करता हूँ, तो वेट कीजिएगा घर पहुँचने का। अल्लाह की कसम मेरे पेट में ऐसी जालम खींचे पड़ रही है ना। आपने जो काम करवा दी ना एडवेंचर, बहुत बड़ा एडवेंचर हो, भूख से जान जा रही। जान जान आई मिस यू जान, के बगैर जिंदगी नहीं, तुम्हारे बगैर कोई जिंदगी नहीं है, तुम चली जाओगी तो कोई और आ जाएगा, लेकिन तुम्हारे बगैर जिंदगी कोई नहीं है भाई। चलो अस्सलामुअलैकुम जी, ये लो गाड़ी लेके ना आप लोग, खुदा की कसम जो आज हम जलील हो गए ना, पूछो उसको। एडवेंचर किया हमने। ओए मेरा नाइट सूट मम्मा। यस। ओए मेरा नाइट सूट चोरनी, जिस चक्कर आती है एक नाइट सूट दो नाइट सूट गायब कर देती है। ये मैंने भी पहना भी नहीं था मम्मा जी, अभी लिया उसने एक, तो मैंने पहना ही नहीं था, अभी ये नया था बड़ा, मार नहीं तेरे। मैंने मेरी बात सुनो, काम शाम हो गए आपके सारे? मेरी बात सुन बेटा, तू गाड़ी ले गई है ना, हम पता किस तरह गए हैं, आधी नहर हम चल के गए हैं, आधी नहर हम एक बाइक के ऊपर ऐसे ऐसे टांगे खोल के बैठे गए।
शुगर लगा रही है होना चाहिए, कोई बात नहीं, लोग ऐसे भी जाते हैं बेटे। बड़ी बात अम्मा, बड़ी बात है। अच्छा आके बैठो, वो जो एक जरूरी बात करनी है सबसे, वो बात कर ले, उसके बाद व्लॉग को एंड करते हैं। आ गया भाई, आ गया पार्सल, आ गया। मेरा ख्याल है कि आपकी भाभी की अंगूठी भी आ गई और हमने जो एजल के लिए गिफ्ट मंगवाया है वो भी आ गया। क्या हाल है भाई, ठीक ठाक है? शुक्र अल्लाह पाक का, बहुत शुक्रिया भाई। ये देख ये पार्सल आ गया, खोल भाई, छुरी दे, छुरी, ये लो भाई, हाथ बचा के, हाथ बचा के ध्यान से। यार मुझे लग रहा है इसमें रिंग नहीं है, सिर्फ कांटे ही होंगे, है ना, छोटी डब्बी है, दिखाओ, खोलो। आए 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 आए, देखता हूँ, छोटी सी तो है, इतना सा तो उसका चेहरा, तो यही चीज है उसको। आए 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 आए, प्यारे, बहुत प्यारे। मम्मा को दिखा, मम्मा चेक करो, ये देखो, ओए बटरफ्लाई बनी मजी, ये कहते ना पसंद किया अम्मा, ये देखो। अब देखो अम्मा, हटाओ हाथ पे, चाहे आए 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 आए, मुझे बड़ा प्यारे है ना, बहुत प्यारा लग रहा है, बटरफ्लाई बनी हुई ना, जैसे होता ना वो शहजादी से। अल्लाह करे अब कमल को और उसको पसंद आ जाए, एजल करने आएंगे, बहुत खूबसूरत बच्ची के कान में पहनने बड़े प्यारे लगे, एजल को पहने अच्छे लगे, बस इस सुबह इसको ना पैक करवा लेंगे। मेरा ख्याल है अंगूठी नहीं मेरी आई, अंगूठी अभी बनी नहीं होगी, सुबह आ जाएगी, फिलहाल एजल के कांटे आए बस। अच्छा जी, जो मैंने ज़रूरी बात आपसे करनी थी, जो मैंने कहा था कि घर पहुँच के करते हैं, मैं चाह रहा था कि अम्मा भी आ जाएं, अम्मा और मैं बैठ के बात करें, अल्लाह तवक्कली मैं घर पहुँचा तो अम्मा मुझसे पहले आई हैं। वो ये है कि मेरे मामू के थ्रू एक रेफरेंस मेरा एक बंदे से बना, जो कि सैयद फैमिली है, उनकी दो बेटियाँ हैं, उनकी शादी है, मेरी फ्लाइट से कुछ दिन पहले उनकी शादी है, 10 तारीख को मेरी फ्लाइट है और लाहौर एयरपोर्ट से ईरान के लिए, आप सबको पता ही है मैं ज़ियारत पे जा रहा हूँ, मेरे जाने से दो दिन पहले उनकी जो है वो शादी है बच्चियों की, और वो बहुत डिजर्विंग लोग हैं, सैयद फैमिली है, कोई स्कैम या कोई फ्रॉड नहीं है, पैसे उन्होंने नहीं मांगे, उन्होंने कहा कि जी बस हमारी शादी में कुछ हेल्प कर दें, हमने आपके व्लॉग्स देखे हैं, आप ऑर्फनेज वाले बच्चों की मदद करते हैं, इर्द गिर्द के लोगों की मदद करते हैं। मैंने बताया कि जी मैं मदद नहीं करता, मेरे सब्सक्राइबर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लॉयल है, जैसे वो कहते हैं वैसे मैं कर लेता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ वैसे वो लोग कर लेते हैं, तो वो लोग जो है वो मदद करते हैं, मैं बीच में एक वसीला हूँ, वहां से लेके वहां दे देता हूँ। तो मैंने सोचा कि बैठ के आप सबसे बात कर ली जाए, कि हर चीज मैंने देखी हुई है, कोई फेक कोई स्कैम वो लोग नहीं है, वो लोग वाकई डिजर्विंग है, और सैयद है और डिजर्विंग है, उनकी दो बेटियों की शादी है, उन्होंने पैसे नहीं मांगे, उन्होंने कहा जी आप जो भी हमारे साथ कर सकें, एडजस्टमेंट कर सकें, कोई भी चीज दे सकें, या वलीमे की रोटी दे सकें, कुछ भी, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मैं और गजल हम तो जिस काबिल होंगे, हैदर भी मेरे साथ, जितना का हम कर सकते हुए हम करेंगे, लेकिन सारा का सारा तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, तो जो भी आप चाहें, एक रुपया चाहे 10 रुपए, कतरे कतरे से दरिया बनता है, कतरे कतरे से दरिया बनता है, आपका 1 रुपया भी 1.25 लाख है, आपका 10 रुपए भी 1 करोड़। आप मैं अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने इंस्टाग्राम का लिंक दे रहा हूँ, मेरे बहुत फेक अकाउंट्स हैं, लेकिन मैं अपने जो ओरिजिनल आईडी है उसका लिंक दे रहा हूँ, आप वहां मुझे मैसेज कर लें, ठीक है, आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा, आपको बैंक अकाउंट नंबर मिल जाएगा, जो भी जिसमें भी आप ट्रांसफर करना चाहें आप कर सकते हैं, सदका जारिया है, मैंने सोचा कि मैं सबको जो है वो इसमें शामिल करूँ, थैंक यू। ओके जी, इसी के साथ करते हैं व्लॉग को यहाँ पर एंड, मेरी आज तैयारियां खत्म हो गई हैं, खुद की जात की भी खत्म हो गई, मुझे शूज रह गए हैं, निकाह मेरा सर पे है, मैंने शूज नहीं लिए अभी तक, शूज रह गए हैं, बाकी हर चीज रेडी है, बस एक बार जाके एक दिन पहले डिजाइनर भाई के पास अपने कपड़ों की जो फिटिंग है वो चेक करके आनी है, बाकी हर चीज डन है अल्हम्दुलिल्लाह, हैदर का भी आज आ गया। व्लॉग करते हैं यहाँ पर एंड, उम्मीद है आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा, और कैसा नहीं लगा अपना बहुत सारा ख्याल रखें, होती मुलाकात कल एक नए व्लॉग के साथ, अब तक बाय। ओए